नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। राष्ट्रीय परिषद की बैठक पे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आज कई मुद्दों पे बातचीत होगी और बातचीत के बाद सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल और दिल्ली में हार के कारणों के बारे में बीजेपी से पूछिए। साथ ही ये भी कहा कि 2024 में क्या होगा ये भी बीजेपी वाले ही जवाब दें। सर, आप लोग की बैठक हो रही है? सर, बैठक हो रही है। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो भी आएंगे, पूरे देश भर के लोग आएंगे, जो जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे, वो सबों को आजादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को। सर, बीजेपी करेगी? बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं, तो बहुत चीज है, तो उनको नहीं बोलना है। इसलिए कि आजकल देखिए मीडिया का उपयोग, पूरा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मीडिया अब निष्पक्ष रहा कहां? 2024 में दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है, उसका समापन है एक तरह से कल। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर कल खुला अधिवेशन होगा। मुद्दे क्या रहेंगे सर? कहा ना हमने कि पार्टी के संगठन का जो चुनाव चल रहा था, प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का जो चुनाव होता है, उसके लिए पार्टी के संविधान में कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लगाने के लिए आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और कल ओपन सेशन है, उसके माध्यम से पार्टी के संगठन के चुनाव की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। लोकसभा 24 को लेकर क्या? देखिए एजेंडा कुछ समय आ जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है वह यही है कि पार्टी के संगठन की जो औपचारिकता है उसको पूरा करने का काम करना है, बाकी चर्चा वहाँ होगी। अगर कोई और विषय पे तो चर्चा होगी। कुर्नी की हार को लेकर बीजेपी कह रही है कि 25 की शुरुआत दिख रही है। अच्छा, बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे, देश में 3 जगह मेजर चुनाव था, एक था MCD दिल्ली, एक गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, और उसमें 3 में से 2 जगह हार गए हैं, सिर्फ 1 जगह जीते हैं। जहां पहले से MCD चुनाव में उन्हीं का था वहां भी हार गए हैं, और उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं देश भर में बीजेपी के लोग। अब हार कर भी लोग जश्न मनाते हैं तो भगवान ही मालिक है, अब उनकी बातों की क्या व्याख्या करनी। अनिल सैनी इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से। अरे भैया, कोई इंडिविजुअल क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब।